नमस्कार दोस्तों, आज हम 28 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा और हम करंट अफेयर को कीवर्ड फॉर्मेट में कवर करेंगे, मतलब साथ साथ कुछ कीवर्ड भी देखेंगे जिससे आपको करंट अफेयर आसानी से याद हो जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक की जो हमारी 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और इसका पार्ट थर्ड, ये तीनों अपलोड हो गए हैं। तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को फिर से शुरू किया है? देखो, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा गया है कि कृषक बंधु योजना को फिर से शुरू किया गया है, मतलब ये स्कीम पहले लॉन्च की जा चुकी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने इस स्कीम को फिर से लॉन्च किया है। नाम क्या है, कृषक बंधु स्कीम। ये स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी। ये स्कीम है क्या, ये एक फाइनेंशियल स्कीम है राज्य के किसानों के लिए। इसमें क्या होता है, किसानों को 5,000 रुपए दिए जाते थे, ये पहले दिए जाते थे, और अब जब दोबारा से ये स्कीम लॉन्च की गई है तो इस स्कीम में 10,000 रुपए दिए जाएंगे, मतलब 5,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो अब कितने दिए जाएंगे, अब इसमें दिए जाएंगे 10,000 रुपए। ये पॉइंट आप याद रखेगा, ठीक है। अब देखो कीवर्ड के फॉर्मेट में हमें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो ये स्कीम किस राज्य की है, ये पश्चिम बंगाल की है, पहला पॉइंट। के दूसरा, स्कीम ये है क्या, ये फाइनेंशियल स्कीम है राज्य के किसानों के लिए, इसमें 10,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। दूसरा, इसे मतलब लॉन्च कब किया गया था, तो इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। अब ये चार पॉइंट आप याद रखेगा कि ये पश्चिम बंगाल की स्कीम है, फाइनेंशियल स्कीम है, 10,000 रुपए दिए जाते हैं और 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। दूसरी संबंधित जानकारी देखते हैं जो इंपोर्टेंट है, रायतु बंधु स्कीम। रायतु बंधु स्कीम ये तेलंगाना सरकार की स्कीम है, ये एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है, ये पॉइंट आप याद रखेगा। कालिया स्कीम, जिसका पूरा नाम है कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, ये किसकी स्कीम है, ये उड़ीसा सरकार की स्कीम है, ये किसानों के वेलफेयर के लिए है। थर्ड पॉइंट, केंद्र सरकार का लक्ष्य है क्या कि 2022 तक किसानों की जो इनकम है इसको डबल करना है, तो ये तीन पॉइंट भी आप याद रखेगा। पश्चिम बंगाल से संबंधित दूसरी जानकारी देखते हैं। हमने 2-3 दिन पहले समझा था कि छात्र क्रेडिट कार्ड योजना इस स्कीम को पश्चिम बंगाल की सरकार ने मंजूरी दी थी। दूसरा पॉइंट, हरिकृष्ण द्विवेदी ये पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है, पश्चिम बंगाल। अब लोकेशन देखें, ये रही पश्चिम बंगाल की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। कलकत्ता इसकी कैपिटल है, जो हुगली रिवर के किनारे पे है। क्वेश्चन यहां से उठेगा, 23 जिले हैं, लोकसभा के 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ ये राज्यपाल हैं। कलकत्ता में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो जुरिस्डिक्शन है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, और जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। सिक्किम, आसाम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्यूरो वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और चपरामती वाइल्ड सेंचुरी, ये सभी कहां पर हैं, ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। देश का कौन सा राज्य रैबिज मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये कौन सा बना है, गोवा। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है, प्रमोद सावंत। इन्होंने वेनेस्टे यानी 23 जून 2021 को ये कहा कि पिछले 3 साल में राज्य के अंदर कोई भी सिंगल रैबिज का केस नहीं देखा गया है, जिसके कारण गोवा राज्य का देश का पहला राज्य बन गया है जो रैबिज फ्री स्टेट है। तो याद रखिएगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रैबिज क्या है, ये एक वायरल डिजीज है। एक इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं गोवा का। देखो, जिस प्रकार से नीति आयोग है, नीति आयोग की तर्ज पे गोवा की सरकार ने गिफ्ट के गठन को मंजूरी दी थी। गिफ्ट का पूरा नाम क्या है, गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। नीति आयोग काम क्या करता है, नीति आयोग जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित केंद्र सरकार को सलाह देता है, यानी एडवाइस देता है, उसी प्रकार से ये जो गिफ्ट होगा ये भी गोवा सरकार को एडवाइस देगा। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, गोवा।
ये गोवा की लोकेशन है, ये इसकी बेसिक डिटेल है। पणजी इसकी कैपिटल है जो मंडोवी रिवर के किनारे पे है, ये पॉइंट आप याद रखेगा। 30 मई 1987 जहां पर इसकी फॉर्मेशन हुई थी, मतलब इस डेट को, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। दो जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। मोलम नेशनल पार्क, कोटिगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंशी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सभी कहाँ पर हैं? गोवा में हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक दो राज्यों के साथ सीमा लगती है। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। रायतोलम लेक, बोंडावा लेक, ये दोनों गोवा में है। सलूली लीम डैम, ये डैम भी इंपोर्टेंट है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, ये कहां पर है? गोवा में है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व भर में लगभग कितने मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया? देखो ये क्वेश्चन डाटा बेस्ड है, सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 275। हुआ क्या? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, कहां पर है ये देश? ये यूरोप में है। इसकी कैपिटल क्या है? यानी इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है वेना, और वेना में एक ऑफिस है, किसका? यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इनका जो ऑफिस है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 के अनुसार। इसमें यह कहा गया है कि 2020 में विश्व भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, तो थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 275। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पाकिस्तान। अभी जो FATF है इसके बारे में हम समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से उठेगा FATF से संबंधित। FATF पूरा नाम क्या है? यहां पे लिखा गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। स्थापना कब हुई थी, मतलब इसको फाउंड कब किया गया था? तो इसको जो फाउंड किया गया था, ये किया गया था 1989 में, यानी आज से 32 साल पहले। ये डेटा आप याद रखेगा कि 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय है, ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। कहां पर? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका मुख्यालय है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट इंपोर्टेंट है, मार्कस प्लेयर, MARCUS, मार्कस PLEYER, मार्कस प्लेयर, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। मेंबर कितने हैं? मेंबरों की बात करें तो 39 इसमें मेंबर हैं। अब आपने G7 के बारे में सुना होगा। G7 क्या है? G7 ये 7 देशों का ग्रुप है। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है अमेरिका यानी USA, फिर आता है कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। अमेरिका, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये 7 देश आते हैं, और ये 7 देश FATF के मेंबर हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, क्या G7 के सभी देश FATF के मेंबर हैं? जी हाँ, G7 के सभी देश FATF के मेंबर हैं। अब ये काम क्या करती है? तो देखो, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, और मनी लॉन्ड्रिंग को ये एड्रेस करता है। दूसरा, जो टेरर फाइनेंसिंग है इसको भी ये एड्रेस करता है। तो इसके दो काम है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, इन दोनों को एड्रेस करना। तो फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, पाकिस्तान। ये रही पाकिस्तान की लोकेशन, ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है। इसकी कैपिटल इस्लामाबाद, कराची इसकी लार्जेस्ट सिटी है। इमरान खान प्रधानमंत्री हैं, आरी लवी ये राष्ट्रपति हैं। 3 राज्यों के साथ, मतलब भारत के 3 राज्य इसके साथ लगते हैं, कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और 2 UT हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया 26 जून 2021 को किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर ढाका पहुंचे? तो बताइए, देखो अगर आपको ये पता हो ढाका लोकेशन कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बांग्लादेश। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, किसके? इंडियन एयर फोर्स के, इंडियन एयर फोर्स, जिसकी स्थापना कब हुई थी?
8 अक्टूबर 1936 में, 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, और 8 अक्टूबर को ही एयरफोर्स डे ये मनाया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब बात यहाँ पे बांग्लादेश की हुई है, तो ये रही बांग्लादेश की लोकेशन। ये बांग्लादेश है, ये इसकी बेसिक डिटेल है। ढाका जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है, बांग्लादेशी टका ये इसकी करेंसी है। अब्दुल हमीद राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। भारत के 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। बांग्लादेश की 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है पश्चिम बंगाल पहला राज्य, दूसरा है आसाम, तीसरा है मेघालय, चौथा है कौन सा? त्रिपुरा, और पांचवा कौन सा है? पांचवा है आइजवाल। ये पॉइंट आप याद रखेगा। भारत के 5 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 27 जून को मनाया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। देखो होता क्या है, 90% जो बिजनेस जनरेट होते हैं वो MSME सेक्टर से ही होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेगा। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया जाता है। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे ये मनाया जाता है। 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे यानी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो 6th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 27 जून। जून 2021 में किसने नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च किया है? थावर चंद गहलोत। ये कौन है? ये मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जिन्होंने भी हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक वेबसाइट 26 जून 2021 को लॉन्च की है। देखो NMBA नशा मुक्त भारत अभियान, या फिर आप ये कह सकते हैं ड्रग फ्री इंडिया, इसके लिए ये जो कैंपेन है इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2020 में। ये डेट आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 7th क्वेश्चन का बी आंसर सही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों के लिए कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 3 करोड़ रुपए। ज्यादा इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने द स्टार्टअप वाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो 9th क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तहमीमा अमन, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, रस्किन बॉन्ड इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? इट्स अ वंडरफुल लाइफ। दूसरा अमृत सेन की बुक का नाम क्या है? होम इन द वर्ल्ड, ये इनकी बुक का नाम है। अमिताभ घोष कौन है? अमिताभ घोष के द्वारा भी एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम क्या है? द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस। फिर से बोलता हूँ, द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस, ये इनकी बुक का नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवे एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये कब होगी? ये 2022 में होगी। तो कौन करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, और ये इसका 9th एडिशन होगा। 9th एडिशन, 8th एडिशन कब हुआ था? 8th एडिशन 2018 में हुआ था। 2018 में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अबू धाबी में। इसका फोकस क्या होता है? ग्लोबल एनर्जी, इसके ऊपर इसका फोकस होता है। तो 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, भारत। अब ये कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस बैंक ने एक नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय लोन आरोग्यम लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य की सरकार अपराजिता पोर्टल को लॉन्च करेगी? केरला इसका सही आंसर है। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक टीबी का उन्मूलन करना है? तो 2025 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आर चंद्रमौली को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जिबूती सही आंसर है। निकोल पाशिनियान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आर्मेनिया सही आंसर है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे कल के क्वेश्चन, अब ये आज के क्वेश्चन है, जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जून 2021 में ओडिशा ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? भारत सरकार, मिजोरम सरकार, और निम्नलिखित में से किसने $32 मिलियन की मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण यानी मतलब इसको मजबूत करना है, स्ट्रेंथने आप कह सकते हैं, परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? पहली बार
कर्नाटक सरकार द्वारा किस शहर में एक अनूठा पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है? किसने ITAT ई द्वार पोर्टल लॉन्च किया है? ITAT, इसका पूरा नाम भी आपको लिखना है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से लिखना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।